इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए सुपर फास्ट पर डालते हैं नजर। यूपी में 6 जगहों से शुरू होगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर में दिखाएंगे हरी झंडी, सीएम योगी मथुरा में रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झांसी दौरा, आज से 1 बजे झांसी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गाजीपुर दौरा, आज 12:35 पर गाजीपुर पहुंचेंगे स्मृति ईरानी, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को करेंगी रवाना। बिजनौर में बीजेपी जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ, नितिन गडकरी करेंगे यात्रा का शुभारंभ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री। काकोरी में अमृत महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर शहीदों को किया नमन, कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को किया सम्मान। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा बलिदान का परिणाम भारत की स्वाधीनता, ये चोरी चोरा का शताब्दी वर्ष है। सीएम ने कहा कि भारत ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की, राष्ट्र के प्रति सभी का समर्पण हमारे लिए आदर्श, भारत के युवाओं ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। दो दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, 933 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे स्वागत, एबीवीपी के प्रांत सम्मेलन के समापन समारोह में भी करेंगे शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा, आज जो जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे सीएम योगी, रामलीला ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी का मिशन यूपी, रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल, महिलाओं और बच्चों से करेंगी संवाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी को अब हार सता रही है, हार के डर से बीजेपी नेताओं को उतार रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी अब कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निषाद समाज के साथ धोखा हुआ, टेनी को सरकार क्यों बचा रही है, अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। मऊ में एसपी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा, 15 घंटे की पूछताछ में आयकर विभाग को 17,000 रुपए मिले और राजीव राय के 4 जगहों पर आयकर विभाग ने छापामारी की। मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापेमारी की कार्रवाई, 27 घंटे बीतने के बाद जारी कार्रवाई, सुरक्षा के लिए पहुंची 15वीं पीएसी बटालियन। मैनपुरी आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का बयान, कहा इनकम टैक्स का रूटीन का छापा, सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं। अरबों की संपत्ति का हिसाब दे, समाजवादी चुनाव में खिसक गई जमीन, बौखलाहट में लगे रहे आरोप, साथ ही कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनाने का देख रहे हैं सपना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। गाजियाबाद में व्यापारियों का महाकुंभ का आयोजन किया गया, कार्यक्रम कमला नेहरू नगर ग्राउंड में हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारी यहां भारी संख्या में पहुंचे। बलिया में आगामी चुनाव और कानून व्यवस्था को लेकर एडीजी वाराणसी ने बलिया के नरही स्थित कोरटराही मंगले पर विभाग के, आपको बता दें जिले के एसपी और बिहार के डीआईजी भी मौजूद है। एडीजी ने शराब तस्करी, पशु तस्करी और दुष्कर्म जैसे आपराधिक गतिविधियों और गैंगस्टर रासू का छेड़खानी, प्रॉपर्टी सीज, गुंडा एक्ट पर कार्रवाई के साथ तमाम जरूरी मुद्दों पर चर्चा की और कहा इसका कड़ाई से पालन हो।
लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक बार फिर कहा कि जब लड़कियां ओवर एज हो जाती हैं तो बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए 18 साल की उम्र ही लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र है। पीलीभीत के बांसुरी महोत्सव में पीलीभीत के बांसुरी कारीगरों की कला ने किया जिले का नाम रोशन। विश्व की सबसे लंबी बांसुरी का पीलीभीत के बांसुरी महोत्सव में प्रदर्शन। पीलीभीत में स्कूल में झाड़ू लगाते दिखे स्कूली बच्चे, प्राथमिक स्कूल के बच्चों से लगवाई जा रही है झाड़ू। एटा में ठंड का कहर और बढ़ गया तापमान, 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। भीषण सर्दी और गलन से दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित। गाजियाबाद में जिम के अंदर जमकर हुई मारपीट, वहीं मारपीट का वीडियो वायरल। गोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज परिसर में दवाइयों के जलाने का एक मामला सामने आया। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को बेहतर सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएससी परिसर में जलती दवाइयां जिम्मेदारों पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आज यात्रा पहुंचेगी रुड़की की विधानसभा, वहीं महाराणा प्रताप चौक पर यात्रा का होगा समापन। एनएचएम कर्मचारियों की मांग ना माने जाने से आज एनएचएम कर्मियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए सामूहिक हवन किया। केजरीवाल की चौथी गारंटी को लेकर महिलाओं में उत्साह, महिलाओं ने बताया इसको ऐतिहासिक कदम। सियासी गलियारों में हड़कंप, बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री का वीडियो वायरल, सुबोध राकेश का वीडियो वायरल। अल्मोड़ा जिले से एक बार फिर जल्द ही हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद जग गई है। प्रधानमंत्री मोदी का गोवा दौरा आज, गोवा मुक्ति दिवस समारोह में जाएंगे पीएम। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये मोदी गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी पुनर्निर्मित अगोड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अंकिता लोखंडे ने पति विक्की जैन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सलमान खान ने राखी सावंत से कहा कि रितेश का इस तरह का व्यवहार तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करना, जिसका जवाब देते हुए राखी काफी भावुक हो गई। अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने अपनी शादी के 9 दिन बाद अपने हाथों में लगी विक्की कौशल के नाम की मेहंदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच ये रोमांचक मुकाबला 69 मिनट तक चला। मुंबई की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत की एक अर्जी को खारिज कर दिया। कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा लड़ रहे जावेद अख्तर पर रनौत ने काउंटर कंप्लेन दर्ज कराई थी। लखनऊ में सामने आए कोरोना के 12 नए केस, एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता चला है, देश में ओमिक्रॉन की संख्या 143 हो गई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीजों की पुष्टि, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 48 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 854 नए मामले आए सामने और पिछले 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना के 86 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 68 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आए जिसके बाद ओमिक्रॉन की संख्या 21 पहुंच गई। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 8 मामले आए सामने जिसके बाद लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई।